कोई पूछे आपकी शक्ति क्या है? चार शक्तियां हैं हमारे पास, रक्षा कवच जो जभी लग जाता है जब हम हिंदू हो जाते हैं। वो रक्षा कवच क्या है? पहला कुल देवता, आगे चलते हैं, मंदिर जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, हम उनकी औलाद है उनको चलना पड़ेगा। बच्चा माँ बाप को, माँ बाप बोले ना बोले, माँ बाप हमेशा बच्चे के लिए खड़े रहते हैं। पहली शक्ति कुल देवता, दूसरी शक्ति पीछे इष्ट देवता। कुल देवता का काम शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, मित्तल बनेगा, क्या बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करते हैं। और दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, दिल्ली रहेगा, यूपी रहेगा, बिहार रहेगा, लंदन रहेगा, अमेरिका रहेगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। और तीसरी शक्ति मेरी माताएं बहनें ध्यान दे, कुल देवी, इसको बेटा देना है कि बेटी देनी है, ये कुल देवी निर्धारित करती है। उसको हमेशा याद रखना, कुल हमेशा बढ़ता जाएगा। और चौथी शक्ति जो भगवान से भी पहले हमारे साथ खड़ी हो जाती है, कोई और नहीं, मेरे पितर जी महाराज, 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 मेरे पितर जी महाराज। मेरे नौजवान भाई, छोटे बच्चे नहीं जानते होंगे ये पितर जी क्या है, इनको समझाओ। पितर वो है जो शारीरिक रूप में हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारे बड़े बुजुर्ग जो स्वर्ग में बैठे हैं वो वहां से 24 घंटे हम पर नजर रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं। और इस समय कीर्तन में आ गए लेकिन उन्हें याद नहीं किया, तो उनको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे कीर्तन में गए, मेरी वजह से इनका वजूद है लेकिन ये मुझे याद नहीं करते। आओ अपने पितरों को याद करें, उठाए जरा दोनों हाथ और ताली बजा के जय हो पितर देवा। ये चारों शक्तियां मैं अपनी याद करूंगा, आप अपनी याद करना। इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, हे 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 बालाजी महाराज। गढ़ी महासर कुल देवी मैया जी, गढ़ी महासर कुल देवी कृपा कीजो। आज तक पितरों का भजन नहीं गाया होगा आपने किसी भी कीर्तन में, उठा लो दोनों हाथ। श्याम जगत सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाएं कि दिलशाद गार्डन में बाबा का दो नाम लिया गया मगर पितरों का भी नाम लिया गया। ये लंबी लंबी लाइनें जो लगी हुई हैं, आप भी दोनों हाथ उठा के प्रेम से गाना जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। आप गाना गाओगे, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। उनकी सेवा क्या है? उनकी सेवा बस उन्हें याद कर लिया। सुबह सुबह दुकान खोलने लगे तो अपने दादा को याद कर लिया कि दादा तू ना होता तो ना ये दुकान होती ना मैं होता। कोई मांगलिक कार्य करने लगे, बंगले की रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, आवाज लगा दो दादा साथ चलना यार, चलना है। कहीं नहीं गए वो, यही है।
आपको लगता हो कि आपके अपने चले गए हैं, नहीं, वो चले नहीं गए, वो गए हैं लेकिन चले नहीं गए, वो आपके साथ हैं, गए हैं कभी भी आ जाते हैं जब बुलाते हो। कौन कौन बुलाएगा प्रेम से, दोनों हाथ उठा के जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। पता लग जाएगा, देखो दिल्ली में एक बात का और ध्यान रखना है, रखोगे कीर्तन में आयो कुछ अच्छी चीज लेकर जाओ। सांवरा मेरा पालनहार है, बालाजी मेरे दाता, इन सबसे बढ़कर मुझे लाड लड़ाती। दोनों हाथ उठाना, फिर बताऊंगा किसके लिए उठवा रहा हूं। मेरी गौ माता, मेरी ये 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 गौ माता, मेरी गौ माता के लिए ताली बजे। कहीं भी देखो गौ माता को, कहीं भी गौ माता को देखो। अगर बिस्कुट का पैकेट आपके हाथ में है तो कम खा लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दो गौ माता को खिला देना। ब्रेड पड़ी है घर में, दो ब्रेड बच्चे कम खा लेंगे, गौ माता को खिला देना। रोटी खिला दो तो बात ही क्या है सर, यह समझना श्याम बाबा ने ग्रहण कर लिया। क्या बात करते हैं, एक बार गौ माता के लिए दोनों हाथ उठा के जय गोपाल, जय गौ माता, गोपाल जय गौ माता, गोपाल जय गौ माता, जय 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 गोपाल जय गौ माता। क्यों गौ माता क्यों? हम सब उसी के दूध से बड़े हो रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ नहीं करना, बस वही करेगी हमारे लिए। चाहे अमूल आता हो, चाहे वेर का आता हो, चाहे कुछ भी आता हो, उसके पीछे अगर कोई है तो वो गौ माता है। अपने बच्चों में कल्पना करके देखो, लॉकडाउन लगा, सबसे पहली चिंता यही आई कि घर में दूध कहां से आएगा, सबसे पहली चिंता। और आज हमें मौका मिला है उस गौ माता का गुणगान करने का, दोनों हाथ उठाकर जय गोपाल जय गौ माता, 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 जय गोपाल जय गौ माता। अब पता लग जाएगा फागुन मेले में कौन कौन आया है। खाटू वाले श्याम जी, नहीं अभी भी कुछ रह गए, एक मौका और देते हैं। खाटू बड़े श्याम जी, क्या बात है, दोनों हाथ उठा के ये दिल्ली की ताली। खाटू बड़े श्याम जी, रहियो सदा दयाल, रहियो सदा दयाल, रहियो सदा दयाल, रहियो सदा दयाल, साबिरा बाद आज दिल्ली आया हूं।